वो कहते हैं ना, जिसने संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। वेल, साल 2022 अभी बस खत्म हो जाएगा और इसी साल हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे जेम्स को खोया है जिनकी जगह कोई और बिल्कुल नहीं ले पाएगा। म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर कॉमेडी तक कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्हें हमने साल 2022 में खोया है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेरा तो एक ही फंडा है, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग कहें भाई तो रहने दे, हम कर लेंगे। लता मंगेशकर, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर के जाने से पूरी दुनिया हिल गई थी। 6 फरवरी 2022 को लता जी ने हमें अलविदा कहा। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने 92 साल की उम्र में फैंस को अलविदा कहा। कई सेलेब्स लता जी के फ्यूनरल में पहुंचे थे। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर से लेकर कई सेलेब्स ने उनके आखिरी बार दर्शन लिए थे। बप्पी लहरी, 15 फरवरी 2022 को किंग ऑफ डिस्को एंड पॉप म्यूजिक बप्पी लहरी ने अपने फैंस को पूरी तरह से शॉक किया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण उनकी मृत्यु हुई। बप्पी दा के फ्यूनरल पर भी कई सेलेब्स दुखी थे, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उनकी बेटी को हुई जो पूरी तरह टूट गई थी। के कृष्णा कुमार कुन्नाथ, ए के के नाम से जाने जाने वाले मशहूर सिंगर जिन्होंने अपनी आवाज से सभी के दिलों में जगह बनाई थी, उन्होंने भी 31 मई को इस दुनिया को अलविदा कहा। के सिर्फ 53 साल के थे। पैथोलॉजिकल हार्ट कंडीशन के कारण उनकी तबीयत कॉन्सर्ट के बीच ही खराब हुई थी। के के जाने से इंडस्ट्री का एक जेम हमने खो दिया। राजू श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव प्यार से राजू श्रीवास्तव के नाम से जाने जाते थे। उनकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी, जिसके चलते वो कई महीने वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, लेकिन 21 सितंबर 2022 को 58 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सभी को हंसाने वाले राजू अचानक पूरी दुनिया को रुला कर चले गए। सिद्धू मूसेवाला, सुभदीप सिंह सिद्धू, प्यार से सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाने जाने वाले पंजाब के फेमस सिंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस खबर से हर जगह हड़कंप मच गया था। बताया जाता है कि तकरीबन 30 गोलियां दागी गई थी और हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन्होंने अपना दम रास्ते में ही तोड़ दिया था। पंडित बिरजू महाराज, 17 जनवरी की बात है जब कथक डांस के सम्राट पंडित बिरजू महाराज इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से हर कोई शौक रह गया था। वेल, तो ये थे वो बॉलीवुड के सितारे जो इस साल हमें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन हमारे दिल में ये हमेशा जिंदा रहेंगे।